भारत के लिए इसरो की तरफ से अभी अभी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। चंद्रयान 3 ने पहली डीप बूस्टिंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और अब सिर्फ 4 दिन बाद 23 अगस्त का इंतजार है। इस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसरो के अनुसार आज शुक्रवार 18 अगस्त 2023 शाम करीब 4 बजे पहली डीबूस्टिंग की गई। सिर्फ 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर्स को भी ऑन किया गया। इसका कारण ये है कि लैंडर सही दिशा में आगे बढ़ता रहे और सबसे जरूरी कि गति को कुछ कम किया जा सके। मॉड्यूल 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाया गया ताकि उसकी गति कम हो सके। आज गति को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया गया। दूसरी डी ऑर्बिटिंग 20 अगस्त को की जाएगी। तब चंद्रयान 3 के लैंडर को 100x30 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 100x100 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि दोनों के बीच की दूरी कहां से आई। कल जब इसरो कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों ने जब प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग होने की कमांड दी, तब ही ये दूरी बनी। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल 2 बुलेट और 2 स्प्रिंग के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाता है और जैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु सेंटर से अलग होने के लिए कमांड भेजी तो इन दोनों बुलेट के पास एक स्पार्क हुआ जिससे ये दोनों बुलेट कट गए और इन दोनों स्प्रिंग ने लैंडर मॉड्यूल को आगे धकेला। इस प्रकार प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया और इनके बीच ये दूरी आ गई। कल लैंडर मॉड्यूल की स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया गया था और जब आज 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया तो ये दूरी और बढ़ गई, यानी अब इनके टकराने का खतरा ना के बराबर है। अब 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। ये पल हर भारतीय के लिए इतिहास रचने वाला होगा। इसरो को मिल रही इन लगातार सफलताओं पर हम तो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।